अज़बल शरजीम बसमीम आई एम रेवान एंड दिस इज़ द मास्टर यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटर्स और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड देयर फंक्शन इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लास फिर कोऑर्डिनेटर और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास ये दो या दो से ज़्यादा क्लास मिल के ये सेंटेंस जो है वो बनता है जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं और इसमें कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं एक फार्मूला एक फ्रेज के ज़रिए इसको समझेंगे यू कैन रिमेंबर द सेवन कोऑर्डिनेटर्स बाय फ्रेज़ फैन बॉयज़ फैन बॉयज़ क्या है ये एक फ्रेज़ है अगर आप फैन बॉय को याद रखें तो इसके ज़रिए आप कोऑर्डिनेटर्स को याद रख सकते हैं जैसे कि फैन में एफ फॉर फॉर ये कंजंक्शन है सारे ठीक है ए फॉर एंड एन फॉर नॉर पी फॉर बट ओ फॉर और वाई फॉर जेड और एस फॉर सो तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटर जो हैं ये कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं या कंपाउंड सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसमें ये कोआर्डीनेटर्स यूज़ किए जाते हैं फिर देखते हैं दीज कन्जेंशन ऑलवेज जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस इसकी हमने बात कर ली कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेज़ को ये जॉइन करते हैं और ये इसको हम कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं आगे न, नीचे मैंने नोट में इसकी डेफिनेशन लिख दी है एग्जाम्पल आई प्ले टेनिस बट आई डिसलाइक हॉकी दो इसके अंदर क्लासेज यूज़ हुए हैं आई प्ले टेनिस ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है और बट कोआर्डीनेटर यूज़ किया है और आई डिसलाइक हॉकी ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है लादा ये पूरा मिल के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। इसकी कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कंपाउंड सेंटेंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाजेज ज्वाइंट टुगेदर। तो इनको कोर्डीनेटर्स के जरिए भी जोड़ा जाता है और इसके डिफरेंट और भी तरीके हैं लेकिन अगर आपने पहचान करनी हो इसकी कोआर्डीनेटर्स के ज़रिए कंपाउंड सेंटेंस की So, fan voice. Ko rakhe. Hope you like this smart video. If you have any questions, you can write down in the comment sections. Allah, Hafiz. Thank you for watching.